किया आप लोग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में, क्लास में बैठ के पढ़ाया गया आपको, उसके बाद में 6 दिन का ये कोर्स आज आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये 6 दिन का कोर्स कंप्लीट होने के बाद में हम लोग लेटर बना के देंगे वोकेशनल ट्रेनिंग वालों को कि इनका जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग 6 दिन का कंप्लीट हो गया, अब इनका फीडबैक टेस्ट लो हो गया, तो आपको फिर 1 दिन के लिए उधर जब खबर मिलेगी आपको तब जाना पड़ेगा। तो वो VTC में जाने के बाद में आपसे कुछ बातचीत करेंगे, आपके ट्रेनिंग के मामले में जो उधर ट्रेनिंग में इधर में जो आपने सीखे हैं उसी के बारे में आपसे कुछ पूछेंगे, उसके बाद में आपको एक वोकेशनल ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट देंगे, वो जो सर्टिफिकेट है 5 साल के लिए उसका वैलिडिटी है। ठीक है, ज़्यादा 3-3.5 साल में जैसा यहाँ पे आपका काम कम्प्लीट हो जाएगा ये मंच में, आप दूसरे ठेकेदार के पास में भी ये सर्टिफिकेट लेके जाके दिखा के काम मिल जाएगा आपको थोड़ा। तो ये जो सर्टिफिकेट है बहुत ज़रूरी है खदान में काम करने के लिए, इसके बगैर आप खदान में काम नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है मोटा मोटी, बस 1 दिन फीडबैक टेस्ट जाने से आपका वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको गाड़ी जो है आपके नाम से गाड़ी आपका जो कंपनी आपको दे सकता है, मतलब वो सर्टिफिकेट मिलने से आप फुल ट्रेंड हो, आप सब खदान के वातावरण में काम गाड़ी चलाने लायक हो गए हो। ठीक है, उसका वो प्रमाण पत्र रहता है। तो ये जो सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आपके ऊपर में जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी अभी जैसे अभी कोरोना की वजह से लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, उसके बाद में भी आप लोग को नौकरी मिली है तो बहुत सेफ्टी से काम करिए, जो ट्रेनिंग में जो आपको पढ़ाया गया है उसको पूरा ध्यान में रखते हुए आप खदान में गाड़ी चलाइए, ज़्यादा ओवर स्पीड चलाना नहीं है, ओवरटेकिंग करना नहीं है, और हर गाड़ी में जो है ना लैमिनेशन करके आपके SOP रखे हुए हैं, हर गाड़ी में डैशबोर्ड में रखे हुए हैं, तो वो SOP पढ़िए, और जो आपको अलग से जो SOP दिया गया है उसको भी पढ़िए ध्यान से, और जो उसमें लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको कार्य करना है, अपने मर्जी से कुछ अलग चीज़ करना नहीं है। और खदान में कहीं भी गाड़ी चलाते समय, फेस में लोडिंग करते समय या डंपिंग में डंपिंग करते समय अगर कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ खतरा है बोल के, तुरंत जो है आप उधर का जो भी आपका सुपरवाइजर या हमारा WCL का जो सुपरवाइजर जो वहाँ पे उपस्थित है या उसके थोड़े दूर में उपस्थित है उसको जाके तुरंत आपको खबर करना है। ठीक है, क्या होता है बोल के छोड़ नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है आप जो खतरा देखे दूसरा आदमी देखा नहीं, अगर वो खतरे से के चपेट में वो आ जाएगा तो उसको भी नुकसान होगा। तो इसीलिए कुछ भी खतरा दिखता है या डेंजर दिखता है तो तुरंत आपके सुपरवाइजर को, हमारा सुपरवाइजर जो है उसको तुरंत आपको खबर करना है, ये पहला ड्यूटी है। और ऐसा कोई काम मत करिए जिसके वजह से गाड़ी का नुकसान हो, आपके ठेकेदार आपका जो मालिक है उनका नुकसान हो, और दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप गाड़ी चला रहे हैं और किसी को आपने लेके जाके ठोक दिया तो आपका गाड़ी का भी आपको भी नुकसान हो सकता है, जिसको आपने ठोका है उसको भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसा कोई काम मत करो, स्पीड एकदम लिमिट से चलाओ, हिसाब से ये ट्रिप करो, आपका जो मालिक है उनके तरफ से कोई आप लोग को दबाव नहीं है ट्रिप करने के बारे में कि भाई 25 ही क्यों किया, 30 क्यों नहीं किया, 30 किया तो 32 क्यों नहीं किया, ऐसा कोई दबाव तो है ही नहीं आप लोग के ऊपर में, तो किस लिए आप ओवर स्पीडिंग ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और गर्मी का दिन आ रहे हैं, गर्मी के दिन में जो कैबिन में आपका AC गाड़ी रहता है, खास करके मैं बोल रहा हूँ ट्रिपर ऑपरेटर लोग के लिए, तो कोई भी आपको छोड़ के कोई दूसरा आदमी कैबिन में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है पहले के ठेकेदारों में कि भाई कोई भी जो ट्रिपमैन है, स्पॉटर है, या हमारा सुपरवाइजर है, या कोई भी दूसरे सुपरवाइजर है, आपके गाड़ी में बैठ के घूमते हैं, बढ़िया ठंडा रहता है बोल के, तो किसी को भी अपने गाड़ी में बैठाना नहीं है, अनऑथराइज्ड राइडिंग बोलते हैं उसको, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। वो खास करके ध्यान रखिए ट्रिपर ऑपरेटर लोग, कोई भी आदमी को अपने कैबिन में बैठाना नहीं है। ठीक है, सुरक्षित से काम करिए, और जो भी आपको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में और यहाँ पे जो भी बताया गया है उसका पालन करिए, खुद सुरक्षित रहिए, अपने साथी वालों को भी सुरक्षित रखिए, आपकी कंपनी को और हमारी कंपनी को आगे आगे बढ़ा के आगे बढ़ाने का कोशिश करिए। थैंक यू।